हे दोस्तों, मैं डैनी, हमारे यूट्यूब चैनल वॉल कैंप में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें नंबर 10 पर है धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित एक मनमोहक पहाड़ी स्थल है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का एक समृद्ध मिश्रण प्रदान करता है। यह शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। धर्मशाला मशहूर है क्योंकि यह दलाई लामा की आवास स्थानी है और यहाँ तिब्बत गुंबदों और बौद्ध मंदिरों का घर है। दौलाधार पर्वत की प्राकृतिक खूबसूरती इसकी चर्चा को और भी मनोहरी बनाती है। इसके कारण यह प्रकृति प्रेमी और साहसिक उत्साहितों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। धर्मशाला का मनोहरी मौसम, दिलकश दृश्य और जीवंत सांस्कृतिक विरासत के साथ यहाँ के पर्यटकों के दिल को मोह लेता है। नंबर 9, डलहौसी। डलहौसी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख पहाड़ी स्थल है, जो आपको प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। ये शिमला से लगभग 335 किलोमीटर के दूरी पर है। डलहौसी को इसकी पिक्चर परफेक्ट पहाड़ी नजरिए, घने देवदार वन, इतिहास से भरी मंदिर और पहाड़ों के बीच की सुकून भरे माहौल के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ पर्यटक चलते फिरते घाटियों, चर्चों, पानी स्रोतों और अल्पवयस्क झीलों का आनंद ले सकते हैं। डलहौजी एक साहसिक और मनोहरी यात्रा के लिए आदर्श स्थल है और पर्यटकों को अपनी यात्रा के अद्वितीय आनंद प्रदान करता है। नंबर 8, शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी। यह प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास से भरी हुई शहर है। शिमला उच्च ऊंचाई पर स्थित है और इसकी शानदार पहाड़ी नजारे और ठंडी मौसम इसे लोकप्रिय गंतव्य बनाती है। यहाँ पर्यटक सुंदर ब्रिटिश वास्तुकला के इमारतें, पार्क, जंगल और विभिन्न धार्मिक स्थलों का आनंद ले सकते हैं। शिमला खरीदी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर्यटक एक यात्रा का आनंद लेने के लिए आते हैं। नंबर 7, मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ी नगर है, जो पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पर्याप्त स्पर्श के लिए आकर्षित करता है। मनाली शिमला से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर्यटक चरम दीवारी के लिए विख्यात है, जहाँ सुंदर पर्वतीय नजारों के बीच घूमकंडी का आनंद ले सकते हैं। मनाली में हिमालयीन वन्य जीव, इतिहास से भरे मंदिर, शिविरों की और शिविरों की विरासत भी मौजूद है। यहाँ पर्यटक शिमला के अलावा मनाली के संसाधनों का आनंद ले सकते हैं। नंबर 6, खजियार। खजियार हिमाचल प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण खजियार शिमला से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर है। एक छोटा सा इलाका है जिसे हरे भरे मैदान, घने वन और चरागाहों से घिरा हुआ है। खजियार बर्फीले पर्वतीय चोटियों के बीच बसा है और विशाल खजर झील इसे और भी मनमोहक बनाती है। यहाँ पर्यटक पिकनिक का आनंद लेने, घोड़े पर सवारी करने, ट्रैकिंग करने और खेलों का आनंद लेने के लिए आते हैं। खजियार अपने आदर्श पर्यटन आकर्षण के लिए काफी जाना जाता है। नंबर 5, डैनकन पीक। डैनकन पीक हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में स्थित एक पहाड़ी चोटी है। इसे डैनकन के नाम से भी जाना जाता है। डैनकन पीक शिमला से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चोटी अपने ब्रिजी मौसम, पहाड़ों के शानदार नजारे, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी जानी जाती है। यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग करने चोटी तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से शानदार पनोरामिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। डैनकन पीक अपनी मनमोहकता और प्राकृतिक विचित्रता के लिए काफी मनमोहक है। नंबर 4, स्पीति घाटी। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक अलौकिक पहाड़ी घाटी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिकता के लिए एक अद्वितीय संगम प्रदान करती है। स्पीति घाटी हिमालय की छोटी रानी भी कहलाती है और यह लद्दाख के बगीचे के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर्यटक प्राकृतिक जीवन, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल, अतुलनीय पहाड़ी नजारे और घाटी के वाणिज्यिक स्थलों का आनंद ले सकते हैं। स्पीति घाटी की दूरी शिमला से लगभग 450 किलोमीटर की है। यह एक पर्यटन का स्वर्ग है, जो प्राकृतिक प्रेमी और यात्रियों के लिए आदर्श गंतव्य प्रदान करता है। नंबर 3, कसौली। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह एक शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी पहाड़ी नगर है। कसौली शिमला से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर्यटक शांतिपूर्ण माहौल, घने देवदार वन, ऐतिहासिक गोलू देवता मंदिर, पहाड़ी नजारे का आनंद ले सकते हैं। कसौली एक छोटा और आरामदायक शहर होने के साथ साथ आदर्श यात्रा स्थल भी है। यहाँ के ठंडे मौसम और प्राकृतिक वातावरण आपको अपनी यात्रा के दौरान आरामदायक अनुभव प्रदान करता है। नंबर 2, चंबा। चंबा हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले का एक मुख्यालय है और ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। चंबा शिमला से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। चंबा में चंबा नदी की घाटी, पुरातत्व स्थल, पहाड़ी किले, धार्मिक स्थल
और शिल्पकारी कला के लिए प्रसिद्ध चंबा शैली की साम्राज्यशाही इमारतें हैं। यहाँ पर्यटक शांतिपूर्णता और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और चंबा घाटी के प्रसिद्ध बागों और उद्यानों की यात्रा भी कर सकते हैं। चंबा इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के प्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थान है। नंबर एक, बर्बिलिंग। बर्बिलिंग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे पैराग्लाइडिंग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बर्बिलिंग शिमला से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और कुछ अन्य एडवेंचर स्पोर्ट का आनंद भी ले सकते हैं। बर्बिलिंग के प्राकृतिक वातावरण, महफूज वन और प्राचीन मंदिरों का भी आकर्षण है। तो दोस्तों, ये थे हिमाचल प्रदेश के 10 सबसे खूबसूरत जगहें जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।